तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एमी साव इन दोनों को साफ इनकार करते हुए कहती है कि दोनों गोहान कॉलेज में नहीं आ सकते क्योंकि वो कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है और अगर कोई भी लड़का उस कॉलेज की ओर ताका झाकी भी करता है तो फिर उसी वक्त उसी आंखें निकाल ली जाती है, जिसे सुनकर चैन और फेंगा बहुत ही डरते हुए सॉरी एल्डर कहता है। तब लुशन कहता है कि वाकई में ये दोनों इडियट है, इन्हें इतना भी नहीं पता कि वुहान कॉलेज स्पेशली लड़कियों के लिए है। और अब सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीना फाइनल राउंड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस फाइनल राउंड में सिर्फ 87 पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने पहले राउंड को क्लियर किया है और वो शायद डिसेबल लियांग, लुशन और शेंग फेंग है। इस फाइनल राउंड में हमने एक बहुत ही ऊंचा पिलर बनाया है जिसके टॉप पे एक बहुत ही छोटी बेल है और इन चारों में से जो भी पहले इस बेल को अचीव करेगा वो इस कम्पिटिशन का विनर होगा और उसे सीट कोटा मिल जाएगा। इस फाइनल राउंड में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सारे डिसेबल इस कम्पिटिशन में अपनी किसी भी टाइप की ट्रिक या फिर पावर से यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखे किसी को मारना अलाउड नहीं है। तो अब बिना किसी देरी इस कम्पिटिशन को शुरू किया जाए। तो अब इतना सुनते ही चारों इस पिलर की ओर कूद पड़ते हैं जहाँ पर ली जैसे ऊपर जाने के लिए बढ़ता है वैसे फेंग ली का पैर पकड़ लेता है। तब ली कहता है कि तुम लूजरों की इतनी हिम्मत, और इतना कहकर ली अपनी पावर से फेंग को दूर कर देता है, जिस पर फेंग अब खुद को संभालते हुए ली के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसे देखते हुए ली कहता है कि तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, क्या तुम लोग भूल गए कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इतना कहकर ली भी अब अपने पावर से अपेयर करने लगता है, जिसके बाद ली फेंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक को करते हुए उसके और उसके अटैक को एक ही बार में पीछे कर देता है। तब ये देखकर फेंग अब खुद से कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि आखिर ये क्यों नॉर्थम सेक्ट का नंबर वन डिसाइपल है, जिस पर अब शेंग बीच में आते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। देखो लुशन इस मौके का फायदा उठा के ऊपर जा रहा है। तब इतना सुनते ये तीनों अब एक साथ मिलकर लुशन के ऊपर अटैक करते हैं, जिस पर लुशन बाय बाय कहते हुए बाल बाल बच जाता है और बचते हुए इस पिलर के एक दूसरी साइड में चला आता है। लेकिन तभी ली पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि लुशन आज तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे, आखिर इतनी सी जगह में कहां तक ही भाग लोगे। और ये कहकर ली लुशन के ऊपर इस पावरफुल अटैक को कर देता है, मगर लुशन अपनी स्पीड से इस अटैक को भी डॉच कर लेता है। तब ली कहता है कि बाशट अगर दम है तो मुझसे बचने के बजाय मुझसे फाइट करो, जिस पर तभी पीछे से फेंग आते हुए कहता है कि तुमसे फाइट करने के लिए मैं हूँ, पहले मुझसे तो अच्छे से निपट लो। तब ली फेंग के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है कि बाशट दफा हो जाओ मेरे रास्ते से, जिसकी वजह से फेंग अब इस पिलर से नीचे गिरने ही वाला होता है, मगर तभी शेंग फेंग को पकड़ लेता है, जिस पर फेंग अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच ये कम्पिटिशन इसके बावजूद भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। तब शेंग सोचते हुए कहता है कि हमें तो ये भूल ही गया था कि ये एक कम्पिटिशन है, भला तुम्हारी भाभी को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और ये कहकर शेंग फेंग का हाथ छोड़ देता है, जिस पर अब नीचे गिरते हुए फेंग कहता है कि गधे कहीं के अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन दोनों से जीत पाओगे। तब शेंग कहता है कि सॉरी मैं तो ये भूल ही गया था, रुको मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और इतना कहकर शेंग कूदते हुए फेंग का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर अब फेंग कहता है कि भाई मुझे बचाने के लिए आई उसके लिए थैंक यू, लेकिन गधे क्या तुम्हारे पास उड़ने की एबिलिटी है जो तुम वहाँ से कूद गए, अब चलो तुम भी मेरे साथ नीचे गिर के अपने हाथ पैर तुड़वा लो। तब लुशन इन दोनों की ओर एक अटैक करते हुए कहता है कि तुम दोनों वाकई में गधे हो, और ये कहकर लुशन इस अटैक से इन दोनों को सेफली नीचे पहुंचा देता है, जिस पर अब ली कहता है कि लुशन चलो अब ये कम्पिटिशन सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच है, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार तुमने आखिर किस टाइप की ट्रिक्स को सीखा है, क्योंकि मैं तुम्हें इस बार कोई भी चांस नहीं देने वाला। तब लुशन भी अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि मैंने जो सीखा है वो तुम्हें डिफीट करने के लिए काफी है, इसलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए इस फाइट को शुरू करते हैं, जिस पर ली अब सीधे अपनी पावर के साथ लुशन की ओर बढ़ जाता है। तब लुशन भी स्माइल करते हुए सीधे आगे आ जाता है, जिस पर ये दोनों अब अपनी अपनी पावर से एक दूसरे से टकराते हैं। तब ली अब लुशन को बिना कोई मौका दिए उसके ऊपर अपने थाउजेंड ऑफ पाल्म का यूज करता है, जिसे देखकर लुशन भी अपने एम्परर फिंगर का यूज करता है और इसकी वजह से ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं, मगर लुशन के अटैक की वजह से ली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। तब ये देखकर ली अब अपने मन में कहता है कि आखिर इसका ऑरा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल कैसे है, जिस पर लुशन कहता है कि मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी जो तुमने देखा वो तो सिर्फ एक नमूना था, असली फाइट तो अब शुरू होगी। और ये कहकर लुशन अब एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। तब ये देखकर ली कहता है कि जरूर ये फिर से कोई ट्रिक का यूज कर रहा है, मुझे उस अटैक के क्रिएट होने से पहले इसे खत्म करना होगा। और इतना कहकर ली सीधे लुशन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर लुशन अपनी आंखों को बंद करने के बावजूद भी अपने अटैक को क्रिएट करते करते ली के अटैकों से बचता है, जिस पर ली अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि लुशन अगर दम है तो मुझसे फाइट करो। तब लुशन अब अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि क्यों नहीं, और इतना कहकर लुशन अब अपनी फिनिशिंग मूव को रेडी करने लगता है जिसका नाम रोर ऑफ ड्रैगन था। तब इस अटैक को देखकर सारे डिसाइपल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि लुशन आखिर कौन से अटैक का यूज कर रहा है, क्योंकि इतने पावरफुल अटैक को तो सिर्फ मैंने मास्टर के पास ही देखा था। तब इधर ली के फादर भी अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये चैन फैमिली का शुजा डिवाइन के अटैक्स को कैसे जनरेट कर रहा है। तब मिस हाउ भी अब थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल, इस लड़के की लेवल ज्यादा से ज्यादा 100 लेवल के पांचवे स्टेज पे होनी चाहिए, तो फिर ये ड्रैगन रोल जैसी पावरफुल स्किल्स को कैसे यूज कर रहा है। तब लुशन अब इस अटैक को सीधे ली की तरफ भेज देता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि ये कॉम्पिटिशन यहीं पे खत्म हुआ, जिस पर ली भी अब स्माइल करते हुए कहता है कि लुशन ट्रिक सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है। और इतना कहते ली की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, उसका ऑरा पहले से भी कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है,
तब ये देखकर लुशियन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं शुरू से इसके बॉडी में सजी पावर को फील कर पा रहा था। जिस पर अब ली अपनी पावर से लुशियन की सटे को डिस्ट्रॉय कर देता है और करते हुए कहता है कि लुशियन ध्यान से देखो, ये है मेरी ट्रू पावर, अगर मैं चाहूँ तो इस पर डिवाइन रियलम के कल्टीवेटर्स को भी डिफीट कर सकता हूँ। तब इस पावर को देखते हुए लुशियन कहता है कि ये तो वाकई में लगभग डिवाइन रियलम पे पहुंच चुका है, इसका मतलब इसने जिससे भी ट्रेनिंग ली है वो कोई मामूली पर्सन नहीं है। जिस पर ली अब एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि लुशियन सही मायनों में कंपटीशन अब खत्म हुआ, इसीलिए अब अगर खुद को बचा सकते हो तो फिर बचा लो। तब इसके अटैक को देखते हुए लुशियन भी एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि सही मायनों में मेरे टक्कर के लायक अपोनेंट तुम ही हो, लगता है इतनी जल्दी ना तुम मेरा पीछा छोड़ोगे और ना ही मैं तुम्हारा। जिस पर ली इस अटैक को लुशियन की ओर करते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इस पूरे नॉर्थम सेक्टर का इकलौता जीनियस मैं हूँ। तब लुशियन भी अपनी पावर से इस अटैक को रोकते हुए कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी तारीफ करके थोड़ी ही गलती कर दी। जिस पर अब इन दोनों के अटैक टकराते यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे हटते हुए इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन लुशियन अब ली के सामने आते हुए कहता है कि तुम पावरफुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, मगर अफसोस इस फाइट को मैं जीता। और ये कहकर लुशियन एक बार फिर से अपने एम्परर फिंगर का यूज करता है और करते हुए ली का खेल खत्म करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी बीच में ली के फादर भी कूद जाते हैं और लुशियन के अटैक करने से पहले वो अपने अटैक को लुशियन के ऊपर कर देते हैं, जिसके लगते ही लुशियन बहुत ही पीछे आके गिर जाता है। तब लुशियन के फादर अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि लुकिंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हिट करने की। जिस पर डीन भी अब तुरंत ही एक्शन लेते हुए कहते हैं कि लुकिंग, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तब ली के फादर कहते हैं कि डीन, क्या आपने नहीं देखा कि वो मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा था। जिस पर लुशियन के फादर कहते हैं कि जबान संभाल के, हमारे चैन फैमिली के लोग कभी भी ऐसी टूची हरकतें नहीं करते, ये सब करने का ठेका तो पहले यंग फैमिली ने ले लिया है। तब ली के फादर कहते हैं कि डीन, सुना आपने, ये आपके सामने कैसी बातें कर रहा है। जिस पर डीन अब बहुत ही चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तब ली के फादर कहते हैं कि डीन, ये मैच ड्रॉ हुआ, मेरा बेटा और लुशियन अब दोनों ही फाइट करने के लायक नहीं बचे हैं। जिस पर डीन कहते हैं कि मैं इस फैसले को मिसाओ के ऊपर छोड़ता हूँ। तब मिसाओ कहते हैं कि इस मैच में कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ है, इस कंपटीशन को क्लियरली लुशियन ने जीत लिया है। जिस पर ली के फादर कहते हैं कि आखिर आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं। तब मिसाओ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। जिस पर इधर हम देखते हैं कि ली उस पिलर से गिर के बेहोश हो चुका था, मगर लुशियन बहुत ही फनी तरीके से ली के फादर को हाई कह रहा था, जिसे देखकर ली के फादर अब बहुत ही शॉक होते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।